दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बता दूं कि फ्यूचर मार्केट में अगर आप काम करना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास कम से कम मेरे हिसाब से 1,00,000 रुपए होने चाहिए। ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, फ्यूचर मार्केट में शेयर्स नहीं होते, फ्यूचर मार्केट में लॉट होता है। लॉट का मतलब है बहुत सारे शेयर को पकड़ के बांध दिया और उसका एक लॉट बना दिया। अब जैसे शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में जो हम नॉर्मली शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं वो स्पॉट मार्केट में करते हैं। स्पॉट कैश मार्केट, कैश मार्केट, स्पॉट मार्केट एक ही होती है। तो शेयर मार्केट में स्पॉट मार्केट अलग होती है, फ्यूचर मार्केट अलग होती है। स्पॉट मार्केट में शेयर्स में खरीदारी होती है और फ्यूचर मार्केट में लॉट में खरीदारी होती है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर। तो फ्यूचर मार्केट में हमें एक लॉट खरीदना होता है, हम एक से ज्यादा भी लॉट खरीद सकते हैं, एक लॉट, दो लॉट, तीन लॉट, चार लॉट, ऐसे हम खरीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फिर पता नहीं बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, 20-25-50 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है मामला। तो इसमें अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल MRF का शेयर है, MRF कंपनी है, उसका जो लॉट है, उसका जो लॉट साइज है, यानी कि उसके एक लॉट में 10 शेयर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके शेयर की कीमत है 80,000 रुपए। अब 80,000 रुपए है तो उसके एक लॉट की कीमत कितनी हो गई, 8,00,000 रुपए, 8×80 तो उसके एक लॉट की कीमत हो गई 8,00,000 रुपए। अब उसके एक लॉट को खरीदने के लिए आपके पास जो पैसा होना चाहिए, जिसको मार्जिन मनी कहते हैं, वो होना चाहिए 20 से लेकर 25% तक। अब 8,00,000 का अगर हम 20% देखें तो 1,60,000 रुपए बनता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप MRF के एक लॉट को खरीदकर फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको, आपके पास 1,60,000 रुपए होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको 3-4-5 गुना पैसा और मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। क्योंकि 8,00,000 रुपए का एक लॉट है तो 8,00,000 रुपए पे करने पड़ेंगे ना उसको खरीदने के लिए, तो आपको 3-4 गुना 4-5 गुना पैसा और मिल जाता है, मतलब मिल जाता है 3-4-5 गुना 6 गुना मिल जाता है इसे, ठीक है। तो ये लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि लॉट की क्या कीमत है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर है, रिलायंस के एक शेयर की कीमत है 2,000 रुपए, ठीक है। रिलायंस के एक लॉट में 250 शेयर है तो 2,000 रुपए की कीमत का एक शेयर है, तो 250 शेयर की कीमत कितनी हो गई, 5,00,000 रुपए। अब 20% निकाल लो, 1,00,000 रुपए, यानी कि रिलायंस के एक लॉट को खरीदने के लिए आपके पास 1,00,000 रुपए कम से कम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो कम से कम 1,00,000 रुपए होना चाहिए, फिर उस पर आपको 4 गुना बढ़ करके पैसा मिलेगा, तो टोटल हो गया 5,00,000, जिससे आप रिलायंस के एक लॉट को खरीद के ट्रेडिंग कर सकते हो फ्यूचर मार्केट में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मान के चलो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो शेयर है उसकी कीमत है 10 रुपए और उसके एक लॉट में 75,000 शेयर्स की क्वांटिटी है, तो 75,000 शेयर्स की क्वांटिटी है और शेयर की कीमत है 10 रुपए, तो उसका एक लॉट साइज कितने का हो गया, 7,50,000 रुपए का। तो उसके एक लॉट की कीमत होगी 7,50,000 रुपए। तो उसके लिए आपके पास जो पैसा होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम 1,90,000 या 2,00,000 या उससे कम, कैलकुलेशन कर लेना, मतलब इतना पैसा होना चाहिए। मतलब लॉट साइज देखो, ऐसा होता है कि अगर शेयर की कीमत कम है तो उसके उस कंपनी के लॉट में क्वांटिटी बढ़ जाएगी शेयर्स की, और अगर शेयर्स की कीमत ज्यादा है तो लॉट में क्वांटिटी घट जाएगी शेयर्स की। अब मान के चलो MRF के शेयर की कीमत है 80,000 रुपए, ठीक है, तो इसीलिए उसमें जो क्वांटिटी है शेयर्स की वो सिर्फ 10 है, तो 80 के हिसाब से 8,00,000 का लॉट हो गया। और रिलायंस में शेयर की कीमत है 2,000 रुपए तो उसमें 250 शेयर है, तो उसके हिसाब से वो 5,00,000 का एक लॉट हो गया। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो शेयर है वो है 10 रुपए, तो 10 रुपए के हिसाब से उसमें जो क्वांटिटी है वो है 75,000 रुपए, तो उसका जो लॉट हो गया वो कम से कम 1.25 लाख या 2,00,000 के आसपास ऐसे हो गया, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ऐसी अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो ऐसे ही फ्यूचर मार्केट में 200 कंपनी लिस्टेड हैं जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने फ्यूचर मार्केट में 200 कंपनी लिस्ट की हुई है। 200 कंपनी सिर्फ लिमिटेड कंपनी होती है, सारी कंपनियां नहीं होती हैं, 200 कंपनी है। जैसे निफ्टी के अंदर 50 कंपनी लिस्टेड है जो NSE ने लिस्ट की हुई है, जो स्पॉट मार्केट में काम आती है, मतलब शेयर मार्केट के अंदर जो स्पॉट मार्केट है उसमें हम निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं 50 कंपनियों में, ठीक है।
यानी निफ्टी के अंदर 50 कंपनी लिस्टेड हैं जो स्पॉट मार्केट में हम करते हैं, और एनएससी ने फ्यूचर मार्केट में 200 कंपनी लिस्ट की हुई है, तो 200 कंपनियों के लॉट हम खरीदते हैं। आपको देखना पड़ेगा अलग अलग कंपनी है, MRF है, वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस है, टाटा है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके अपने अपने लॉट होते हैं। लॉट एक खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो, जितने मर्जी लॉट खरीदो, ठीक है, उस हिसाब से पैसा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से हमारे पास फिर पैसा भी होना चाहिए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तभी तो लॉट खरीद पाओगे, तभी तो लॉट की क्वांटिटी बढ़ा पाओगे। यहाँ पर तो लोगों को शेयर नहीं खरीदे जाते, लॉट क्या खरीदेंगे। तो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ना बहुत सारा पैसा होना चाहिए, नहीं तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक लॉट की कीमत होती है वो बहुत ही कम होती है, 5,000 रुपए, 1,000-2,000 रुपए भी होती है ऑप्शन मार्केट में, इसीलिए लोग ऑप्शन मार्केट की तरफ ज्यादा भागते हैं और फ्यूचर मार्केट की तरफ कम भागते हैं। फ्यूचर मार्केट में तो थोड़ा पैसा ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 1,00,000 रुपए होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कम से कम 1,00,000 रुपए होने चाहिए, तभी आप सही से ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, फ्यूचर मार्केट में बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बता सकता हूँ, डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फ्यूचर मार्केट में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरी अपकमिंग वीडियोस देख लेना, जिसमें मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगा, फ्यूचर मार्केट के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि फ्यूचर मार्केट क्या है और कैसे काम करती है। फिलहाल मैंने आपको बताया है कि फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, 1,00,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, जिसमें 4-5 गुना बढ़कर के हमें पैसा मिलता है। क्यों? ताकि हम लॉट को खरीद सकें, क्योंकि लॉट की कीमत ज्यादा होती है, तो हमारे पास मार्जिन मनी इतना तो होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही पैसा है उस एक लॉट को खरीदने का, तो फिर आप 4-5 गुना पैसा लो ही मत, फिर अपने पैसे से ही खरीद लो पूरा का पूरा लॉट, तो ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, कम से कम 1,00,000 रुपए तो लगाने पड़ते हैं फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों, शेयर मार्केट से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा, आपको सिखाता रहूंगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके पूछो, जो नहीं आता वो पूछ लो शेयर मार्केट के बारे में, मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।